यूं तो भारतीय सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का है, इसीलिए सबसे ज्यादा देश के प्रति युवाओं में जोश सिर्फ हरियाणा में ही देखने को मिलता है। हरियाणा के युवा देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको पर्याप्त मौका नहीं मिल पा रहा। पिछले 3 सालों से भारतीय सेना की भर्ती न होने से युवाओं में रोष पैदा हो गया है, जिसके चलते युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कैथल में, जहां भारतीय सेना में भर्ती न होने से खफा युवाओं ने पेहोवा चौक पर प्रदर्शन किया और उसके बाद प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि उनके मन में देश की सेवा करने का जज्बा है, लेकिन पिछले 3 सालों से भारतीय सेना में कोई भी भर्ती नहीं निकली है, जिस कारण उनका सपना एक सपना बनकर रह गया है। युवाओं ने बताया कि सरकार भर्ती को लेकर बोल रही है कि कोरोना काल चल रहा था, इसीलिए भर्ती नहीं हुई। युवाओं का कहना है कि अब कोई भी लॉकडाउन नहीं लगा हुआ, सरकार को जल्द से जल्द आर्मी की भर्ती निकालनी चाहिए ताकि युवाओं के जोश अपने हैं वो साकार हो सके। इंडियन आर्मी की भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया गया सर, आज पेहोवा चौक से यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोटा से यहाँ पर आया सर। क्या कुछ मांग सर को? सर ज्ञापन दिया गया कि हमारी इंडियन आर्मी की जो भर्ती है सर जल्दी से जल्दी निकलवाएं सर। जो हमारे मुख्यमंत्री है उनके पास सर हमने ज्ञापन पहुँचाने के लिए कहा है सर इनको। जो हमारे यहाँ पर तहसीलदार सुदेश महाराज जी हैं सर, उनको ज्ञापन दिया गया सर। तो मैडम द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? मैम बोल रहे कि इसको जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री साहब जी के पास पहुँचाया जाएगा और जल्दी जल्दी आपकी जो इंडियन आर्मी जो भर्ती है उसको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन उसकी दी जाएगी। आप क्या मांग करते हो सरकार से? हम सर मांग करते हैं सरकार से जल्दी इंडियन आर्मी के जो भर्ती है वो निकाले सर। जो एज में सर जो ओवरेज हो चुके हैं सर उनको एज में छोट दी जाए सर। जिनके अब इंडियन आर्मी की जो भर्ती हो चुकी है सर उनका जल्दी से जल्दी परिणाम घोषित कर दिया जाए सर। मतलब इंडियन आर्मी की सर भर्ती हो चुकी है और उनका एग्जाम नहीं हुआ है सर, उनको एग्जाम करवाया जाए और उनके परिणाम जो है घोषित कर दिया जाए सर। नॉर्मली जैसे इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं हो रही है लगातार 3 साल से, नॉर्मल एज है जो अपनी जो इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने की है वो 17-17 साल से एज होती है। तो 17-17 साल से मतलब 3 साल से एज नहीं हुआ है तो 21 लगे एज होती है, तो 3 साल में वैसे ही एवरेज हो चुका है। तो ना तो ग्रुप ने अम्बाला ग्रुप हो गया, ना कोई डायरेक्टरेट ने अपने अम्बाला ग्रुप में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आती है यमुनानगर होगी अपना कैथल हो गया कल्याण हो गया और जो नॉर्मल जो हुआ उनमें अभी तक कोई भी मतलब कि इसके बारे में नोटिस नहीं आया है। लगातार 3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक बार दे देते हैं कि नोटिस आ गया इंडियन भर्ती होगी वो फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी वो नहीं आता है। जस्ट हमें बस नुका दिया जाता है कोरोना का कारण, कोरोना के कारण। वो कोरोना अगर है तो वे और चीज़ में क्यों नहीं है, हमारी इंडियन आर्मी भर्ती में क्यों है? एज जान लग रही है 3 सालों के बालक तो उम्र खत्म हो रही है। नॉर्मल अपने हरियाणा के जितने बालक है नॉर्मल इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहो मैक्सिमम सारे बच्चे इंडियन आर्मी का एक नॉर्मल सपना होगा भाई इंडियन आर्मी में ही सेवा करेंगे और कोई इतनी एज जान लग रही है उसमें सेवा को कोई मौका नहीं मिल रहा। इस संबंध में कैथल के जिला सचिवालय में इकट्ठे होकर तहसीलदार के मार्फत भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा, जिस पर तहसीलदार सुदेश मेहरा ने कहा कि युवाओं ने उनको जो ज्ञापन दिया है उसको हम जल्द ही सरकार तक पहुंचा देंगे और उम्मीद है कि सरकार मांगे जल्द पूरी करेगी। युवा वर्ग के द्वारा दिया गया है कि इंडियन आर्मी की पोस्ट और जो उसमें भर्ती है वो नहीं निकल रही है, तो इनकी डिमांड है कि जितना जल्दी हो क्योंकि फिर बच्चे ओवर एज हो रहे हैं तो प्रॉब्लम तो हो रही है। तो क्या कुछ कार्रवाई मैम की जाएगी इसको? हम ये इन्होंने जिस साहब के नाम दिया है ज्ञापन इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे और इसको उचित माध्यम से आगे सरकार तक पहुँचाएंगे। बहरहाल देश की सेवा करने का जज्बा युवाओं के दिल में है, लेकिन आर्मी की भर्ती न होने के कारण हरियाणा के हजारों युवाओं की उम्र निकल रही है, इसलिए उनके सपने टूट रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब भर्ती निकालेगी और युवा देश की सेवा करने का सपना साकार कर सकेंगे। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।